खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले शराब दुकान से लगभग 11,000 से अधिक की लूट की घटना हुई थी, जिसमें जामो पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों के पास से 3 तमंचा और भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुए। अमेठी एडिशनल SP ने इस मामले का खुलासा किया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की दोनों टीमों को पुरस्कृत किया। दिनांक 8/1/2023 को थाना जामो के अंतर्गत ग्राम जनापुर में एक बियर शॉप में 3 बदमाशों द्वारा तमंचे के बल पर 11,300 रुपये और कुछ बियर बोतलों की लूट की घटना कार्य की गई थी। इसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना और स्वाट की टीम में इसमें काम कर रही थी। इसमें आज रात में कादू नाला के पास से 3 अपराधी, जो उसी गाँव के हैं जहाँ पर घटना हुई थी, जिनके नाम रामकरण, शिव बहादुर और सुमित सिंह हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से लूट के 7,000 रुपये और 3 तमंचे और चोरी में घटना में यूज़ की गई बाइक, जो थाना गोमतनगर से चोरी इनके द्वारा की गई थी, वो बरामद हुई है।